मुझसे प्यार सब सितारे मिल जाएंगे तुमको ये यहाँ The Afternoon Show The Afternoon Show The Afternoon Show जब कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा तो ये करते हैं कैसे आप लोग कैसा लग रहा है यार दोनों बहुत जबरदस्त शार्प लग रहे हैं थैंक यू जवाब भी ऐसे ही मिलेंगे आज मुझे नहीं देखिए आपके सामने आना तो थोड़ा शार्प होना चाहिए था जिस तरह आप जवाब देते हैं जिस तरह सवाल करते हैं तो थोड़ा सा हमें भी तैयार होकर आना यार आज तो लग रहा है कि मेरा शो है मतलब मैं आया हूं शो सर बिल्कुल प्लीज तशरीफ लाइए दोनों और बहुत मजा आने वाला है इंशाल्लाह सामी खान और मोहम्मद शेख तुम लोगों को पता है कि हम तीनों में कॉमन क्या है कौन बताएगा मुंबई हम तीनों मुंबई में मिले थे इससे पहले एग्जैक्टली ये तो हो गई बातें अब होंगे सवाल यार ये फॉरेन चैट है अच्छा चलिए चैट है वो तो सिर्फ इसलिए कि मैं जरा भूल जाता हूं मैं थोड़ी सी नर्वस हूं भाई पहली बार वाकई हां मोमल तुम कभी नर्वस मैं कभी नहीं होती हूं एंड यू नो दैट हां बिल्कुल तो जनाब मंसूर असलम खान नियाजी साहब जी सर अरमानों से आपके घर वालों ने ये नाम रखा जी दादा अबू वाला नाम आपका रख दिया आपने वो बदल दिया क्यों भला यार हुआ ये था कि I did not know that. हाँ नहीं मेरा असल नाम पूरा नाम बताओ बेटा yeah? मंसूर असलम खान नियाजी इसमें से एक भी जमीन नहीं है एक मिनट क्या क्या शुरू में मंसूर फंबल हुआ है ना पहले फंबल हुआ है ना मंसूर हाँ मंसूर मंसूर असलम खान नियाजी खान नियाजी जी बिल्कुल ये आपके चार भाइयों का नाम नहीं नहीं ये हमारा खानदानी नाम है ना देखिए मंसूर मेरा नाम है ठीक है असलम वाले साहब का नाम है ठीक है खान नियाजी कास्ट है देखिए ये चारों अपनी जगह फिट है हाँ। लेकिन एक गलती तो इस हिसाब से मेरा नाम क्यों होना चाहिए नियाजी कोच आप लोगों के नहीं लेकिन जानने वाले थे शेख जावेद मोमल कास्ट क्या है हमारी शेख तो कास्ट हाँ ये तुमने पासपोर्ट के स्टाइल से बताया है ना अच्छा हुआ ये कि जब फिल्म एक मैं उस सलाख में फिल्म कर रहा था तो मंसूर नाम जिस तरह अभी पहले फर्स्ट टाइम यू फंबल्ड अ बिट के मंसूर कुछ चेंज हो रहा था तो मुझे ये था कि लोग उसको मंसूर बना देंगे तो मेरे जिम्मे था कि इट शुड बी अ बिट स्मॉलर तो फिर एक लाहौर में एक पामिस थी कोमल तारिक उनके पास गया उन्होंने कहा कि जी मैंने कहा क्या रखा जाए शी सेड कि ओके खान तुम्हारे नाम में है मैंने कहा जी है तो समी अच्छा किस्मत है कि मुझे समी नाम वैसे ही बहुत पसंद था मेरे दोस्त का नाम भी था मैं कहता था यार ये नाम कितना अच्छा है यार समी खान वो भी खान था अरे वाह तो मैंने कहा यार क्या करें छाप लिया सर पूरा नाम बाजीगर वाला शाहरुख चल रहा है लड़का तो सर अभी ट्विस्ट आएगा ओ ट्विस्ट ही है लेकिन तो बस उस पे समी खान रखा एंड इन फैक्ट आई रिमेंबर शहजाद रफीक जो सलाखन के डायरेक्टर थे उनसे काफी वो नाराज हुए वो कहते इतना अच्छा नाम है मंसूर तुम चेंज क्यों कर रहे हो मैं कहा नहीं मंसूर नाम से मैंने नहीं आया बेसिकली फिल्मी नेम है हाँ फिल्मी नेम कह सकते हैं तो उन्होंने जिद में आके सलाखे में कैरेक्टर का नाम मंसूर रख दिया मैंने भी कहा नहीं सर क्रेडिट्स में समी खान चलेगा देखिए जी लोगों के नाम अम्मी अबू रखते हैं इनका नाम नजूमी ने रखा है नहीं नहीं देखें अभी भी घर में और जो दोस्त हैं वो अभी भी असल नाम से पुकारते हैं असल नाम से पुकारते हैं अच्छा बहुत कम लोग जानते हैं कि आपने यहीं से स्टार्ट किया हम टीवी में आप लाइन प्रोड्यूसर थी जी बिल्कुल लाइन प्रोड्यूसर थी आप देखें इतना बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं क्योंकि मैं उसे लाइन प्रोड्यूसर कहता हूं हाँ नहीं तो मैं थी आई एम प्राउड लाइन प्रोड्यूसर वो लाइन कह रहा हूं अच्छा लाइन प्रोड्यूसर तो बड़ी जबरदस्त जॉब होती है लाइन प्रोड्यूसर बहुत अच्छी जॉब होती है सही भाग दौड़ वाली ओफ ऐसा भाग दौड़ की थी मैंने क्या वजह क्या थी क्या चाहती थी पहले कैमरे के पीछे रहना चाहती थी या ऑब्जर्व कर रही थी यार ये एक्टर्स किस तरह ट्रीट करते हैं क्या क्या ट्रीटमेंट रखती है एक्टिंग का तो नहीं क्या कोई हम टीवी के राज लेने आई कुछ भी हो सकता सीआईडी से आई थी नहीं एक्चुअली मैंने बाबा को जब ये मेंशन किया कि मुझे बिहाइंड कैमरा काम करना है तो उन्होंने कहा कि हर काम को पहुंचने के लिए आपको नीचे से शुरू करना चाहिए नीचे से शुरुआत होनी चाहिए और मैं आपको बताऊं कि मैं जब ये शुरू किया तो एक शो शुरू हो रहा था हीरा मानी का और उसमें मैं एज अ लाइन प्रोड्यूसर काम कर रही थी तो वही भाग दौड़ यू नो फ़ोन कर रहे हैं हम आर्टिस्ट को लाइन अप कर रहे हैं चीज़ें कर रहे हैं ये वो हम दो हमारा शो और मुझे याद है अच्छी तरीके से दूसरे दिन ये शो लाइव जाना था सैटरडे और संडे को होता था और मैंने फ्राइडे नाइट जो है हम टीवी पे पूरी रात गुजारी भी थी मैं और सरम मेहदी नीचे कुर्सियां लगा के अपने बिस्तर से लगा के सो गए थे क्योंकि सुबह सुबह हम बहुत ही पैनिक थे कि किस तरह होगा क्या होगा तो इतना सब कुछ किया हुआ एक एक मरहल्ले से निकले हुए गुड यार और इसी तरह यही लोग जैसे बता रहे पहले से किया और फिर वो वक्त आ गया आपको तमगा इम्तियाज मिला वो क्या फीलिंग थी बहुत ज्यादा प्राउड फील किया या सोचा कि यार इतने इम्तियाज का तमगा मुझे क्यों दे दिया नहीं नहीं यार कुछ भी सोच सकता है इंसान यार उसके लिए दो तीन चीजें बड़ी अच्छी हुई थी एक तो ये कि
पीटीवी अवार्ड मिला था, नेशनल अवार्ड पीटीवी एक है कि हमने देखा है शुरू से जिन बड़े लेजेंड्स ने अवार्ड दिया तो मिला, लेकिन द बेस्ट थिंग उस अवार्ड की जो थी वो ये थी कि उस दिन मैं अपने फादर को साथ लेके गया था उस इवेंट के ऊपर, एंड उस दिन मुझे सबसे बड़ा फीडबैक मिला और ये था, मेरे वाले साहब ने कहा कि हमने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारा नाम हमारी पहचान बनेगा। अरे वाह, सो दैट वाज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई गॉट। आपके फुफा चाचा कजन भाई खानदान में सब मेल एक्टर्स और उसमें से एक फीमेल एक्ट्रेस है? नहीं, सारे इज आल्सो फीमेल एक्टर्स। हाँ, अब मतलब एक्सटेंडेड फैमिली है, जाहिर है बहू है वो, तो वो उस तरह से एक ही है जो ना शेख ब्लड है। शेख ब्लड, हाँ। तो वो घर में क्या होता है, ज्यादा कुछ सुनने को मिलती है, एक्टिंग के लेक्चर्स मिलते हैं या आपको क्या पूछते हैं? साइड पे कर दिया जाते हैं। हटो, क्या कह रहे थे हम, कौन से डायरेक्टर का? ये क्यों, एक्टिंग की वजह से कि एटीट्यूड की वजह से? नहीं, वो सीरियसली नहीं लेते मुझे। स्टार पावर कम है? स्टार पावर कम है। आप सोचें जरा, जावेद शेख, शहरोज सब्जवारी, सलीम शेख, शहजाद शेख, शहरोज सब्जवारी, तो मोमेंट तो कहीं फीकी पड़ जाती है। बाकी ऐसा होता है, मुझे नहीं लगता मोमेंट। दे टेक मी फॉर ग्रांटेड बेसिकली। हां, लेकिन जब मुझे कुछ बोलना होता है, हां, तो क्या मैं मजे कर बात। मासूम बच्ची की अपील जरूर सुनिए। मैं अपील छोड़े, आप मेरी बात तो सुने। अगली जब ये सब कुछ होता था तो मैं कहती थी व्हाटएवर जो भी, मैं भी अपना पंगा डालती थी। जब मुझे बॉलीवुड ऑफर आई ना, तो सबसे पहले मैं बुलाया, मैंने कहा शहजाद को मैं कहला बैठो जरा, फिर मैंने कहा आओ मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं, आओ तुम लोग एक कहानी सुनाओ। इनका लूजर्स, तुम लोग आए थे ना एक्टर्स बनने के लिए, मैंने सोचा भी नहीं था मैं जा रही हूँ बॉलीवुड और तुम लोग यहीं पे बैठे रहो। तो उस दिन जो वो जितनी दफा उन्होंने मुझे इग्नोर किया या जो तमगा इम्तियाज मिलने पे हुई मुझे, हाँ, मुझे वो खुशी तब मिली कि मुझे एक वो हो गया कि देखो लाइक यू नो आई कैन आल्सो डू इट वाला थिंग। लेकिन सभी तुम इंजीनियरिंग जो की, हाँ, तो वो उसका कोई फायदा हो रहा है जिंदगी में जैसे बगैर? या देखो एजुकेशन का हमेशा फायदा लगाए तुम बता सकते हो। एजुकेशन का करंट आ रहा है, सेल ठीक है कि नहीं है? दो तारे जोड़ के सिगरेट जला सकते हो? देखें जी, वही बात है, जब मैं गांव गया तो कहते इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कर रहा है। हाँ जी, ये लाइटें ठीक कर सकता है? मैं कहता है वो खुदा के लिए काम नहीं, हम और काम करते हैं। एजुकेशन ऑलवेज पेज यू, आपने डिग्री करें, प्रैक्टिस करें या ना करें, एजुकेशन ऑलवेज हेल्प्स यू आउट। अच्छा मोमल, क्या वजह है कि आपने इंडिया में फिल्म की और पाकिस्तान में अभी तक आप फिल्म में जलवागर नहीं हुई? ये जलवागरी जो आपने ना दिखाई, इसकी क्या वजह है? और नीज ये भी बताइए। मैंने फिल्म की है। अच्छा नहीं, चलो पहले मैं इसका जवाब दूं। देखिए, जैसे उन्होंने टीवी के करियर का आगाज किया, पहले कैमरे के पीछे, अभी पहली फिल्म वजूद के अंदर कैमरे के पीछे काम कर लिया है, अब अगली फिल्म में कैमरे के सामने आएंगी। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? आ जा तू यहाँ। मेरा सिर्फ ये है कि कोई फिल्म ऑफर हुई और आपने नहीं की, ऐसा हुआ? एक आध फिल्म हुई थी ऑफर, एंड एक तो बाबा ने ही, मेरे ख्याल से उनको समझ में नहीं आई थी जब उनसे पूछा था कि, अब खैर मुझे नहीं समझ में आई थी फिल्म मेकर्स चीज़ें ये वो, करनी है तो अच्छी करनी है, अच्छे फिल्म मेकर्स के साथ करनी है और अच्छी स्क्रिप्ट बहुत ज़रूरी है। सो वो दोनों चीज़ें जो हैं वो अभी तक नहीं आई, नहीं आई। मेरे ख्याल से आप बहुत जल्द मुझे देने वाले हैं, तो नाज़रीन आप लोग मुझे फिल्म में देख रहे हैं देखने का, अगर आप लोग को शौक है तो यासिर की नेक्स्ट फिल्म में मैं ही। इसके साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जल्दी से वापस आते हैं, देखते रहिएगा द आफ्टरमून शो सीजन 2।